नमस्कार, मैं प्राची तिवारी और आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर। आजम के गढ़ यानी रामपुर में एक अरसे बाद कमल खिल गया है। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार आसिम रजा को मात दे दी है। शुरुआती रुझानों को देखकर ऐसा लग रहा था कि आजम के गढ़ में भाजपा का कोई खास करतब नहीं दिखा पाएगी, मगर जब नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी को जोरदार झटका लगा। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुए उपचुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। सपा नेता आजम खान का गढ़ माने जाने वाले रामपुर चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। एक वक्त लग रहा था कि रामपुर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आसिम रजा चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन भाजपा के आकाश सक्सेना ने आखिर वक्त में जीत प्राप्त कर सबको चौंका दिया। भाजपा के आकाश सक्सेना ने आजम खान के करीबी आसिम रजा को 33,702 वोटों से हरा दिया। जीत के बाद आकाश सक्सेना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि रामपुर की जनता का सीएम योगी में विश्वास है। आज रामपुर में जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम जो आया है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजय हुई है, इसके लिए रामपुर की हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों का मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है, मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। आजादी के बाद पहली बार आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजयी हुई है। इसके अलावा कश्मीर के बाद पहली विधानसभा रामपुर की सीट ऐसी है जहाँ पर 70% से ज्यादा जहाँ मुस्लिम है, और उसमें आज योगी सरकार पर जो विश्वास जताया है यहाँ के मुस्लिम भाइयों ने, उसके लिए मैं सभी का, रामपुर की जनता का बहुत हाथ जोड़ के मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि रामपुर में जो 80 के बाद से हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो ये खाई पैदा की गई थी, उस खाई को मिटाने का पूरा प्रयास करूंगा और ईश्वर ने चाहा एक नए रामपुर का निर्माण करने में। कहा जा रहा है कि आजम खान का जो राजनीतिक करियर है खात्मे की तरफ है आज के बाद। देखिए, वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, अब सिर्फ यहाँ उद्योग की बात होगी, रोजगार की बात होगी और कारोबार की बात। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जो नारा है, बिल्कुल उसी नारे पर यहाँ हमेशा से चले हैं और उसी नारे पर ही चले। रामपुर में कमल खिलाए तो रामपुर वासियों को क्या तोहफा देंगे? सबसे मैंने आपसे कहा ना, जिस नारे के साथ हम यहाँ उतरे थे मैदान में, रामपुर में वापस उसको उद्योग नगरी का दर्जा। रामपुर में जीत बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है तो आजम के सियासी कद को छोटा कर देने वाली अनचाही घटना जो आने वाले समय में आजम की सियासत का अंत भी साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।